हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो ये आज जो है तो बैंक निफ्टी बंद हुआ है लगभग 38,055 पे, लगभग 46 पॉइंट लॉस के साथ। तो यहाँ हमने आज अच्छा खासा वोलेटाइल मूव देखा दोनों तरफ। हम नीचे गए थे लगभग 37,300 की तरफ और जो मेरे टारगेट थे वो दोनों अचीव हो चुके हैं नीचे के लेवल। वहाँ अच्छा खासा सपोर्ट लेकर ओवरसोल्ड रीजन से बाउंस बैक किया और वहाँ से हमने लगभग 800-900 पॉइंट का इंट्राडे रिकवरी किया था और फिर से थोड़ा सा लॉस के साथ फाइनली बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो ये एक अच्छा खासा रिवर्सल का साइन है। तो चलो देखते हैं कि चार्ट पे अभी बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी इस वीक के लिए डाउन है लगभग 2.1%, लगभग 815 पॉइंट के लॉस के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं इस वीक के लिए। मगर नीचे के लेवल से हम अच्छा खासा बाउंस बैक देख चुके हैं। इस वीक का हाई था लगभग 39,000 के अराउंड, लो था लगभग 37,386। तो लगभग हम जो है तो 2600 पॉइंट 2600 पॉइंट का रेंज ऑलरेडी देख चुके हैं इस वीक के लिए बैंक निफ्टी में। और एक अच्छा खासा वोलेटाइल वीक ऑलरेडी पैन आउट हो रहा है क्योंकि अभी तक सिर्फ दो ही दिन हो चुके हैं इस वीक में। और यह जो है तो अभी कल जो है तो कल वेंसडे है, तो कल के लिए कैसा रह सकता है मार्केट देखते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने फिर से जो है तो जो CPR था उसके सभी लेवल को टच करके वहाँ से रिवर्सल दिया है नीचे की तरफ। CPR जो सुपर ट्रेंड था वो उसका सपोर्ट था और उसके बाद में 50 और 100 डेज एवरेज का भी सपोर्ट था, तो उन लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक दिए है। और हम जो है तो 20 डेज का जो एवरेज है उसके अराउंड क्लोज हुए है। तो अगर ये सस्टेन होता है, जो लो है 37,300 का लो अगर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी में, तो हम जो है तो ऊपर रिवर्सल देख सकते हैं और एक शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में ट्रिगर हो सकती है अगर ये सस्टेन होता है तो। और मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में जो लेकर जा सकता है बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लगभग 39,000 के लेवल की तरफ। तो यहाँ देखते हैं आवरली चार्ट पे क्या दिख रहा है अभी। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने आज जो है तो अच्छी खासी ओपनिंग दी थी लगभग 38,260 के अराउंड। वहाँ से हमने लगभग 900 पॉइंट का फॉल देखा और ओवरसोल्ड रीजन में जाके जो पिछला वीक का जो लो था उसके नीचे से हमने सपोर्ट लिया है। और एक्जैक्टली जो CPR था वीकली CPR वहाँ से सपोर्ट लेके हम जो है तो अभी बाउंस बैक कर रहे हैं। क्लोजिंग जो है तो फिर से हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखा है सुपर ट्रेंड की यहाँ, मगर यहाँ से मुझे लगता है कि सुपर ट्रेंड शायद ब्रेक कर दे कल। और अगर हम सुपर ट्रेंड के ऊपर खुलते हैं तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होगी जिसका जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा लगभग 38,850 का और उसके बाद में 39,255 का टारगेट जो है तो एक से दो दिनों के लिए बैंक निफ्टी में लेकर चल सकते हो। तो यहाँ नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा जो लो था 37,300 का, तो उसके अराउंड खरीदना है, उसके नज़दीक खरीदना है। तो कल के लिए आपके लिए बाइंग लेवल रहेगी बैंक निफ्टी में 37,700 से लेकर 800 के बीच में, इसके अराउंड अगर बैंक निफ्टी आता है तो आपको लॉन्ग करना है बैंक निफ्टी फ्यूचर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 37,300 का और ऊपर जो टारगेट बनता है वो बनेगा 38,850 और उसके बाद में 39,250 के टारगेट। आप एक से दो दिन या फिर इस वीक के लिए पकड़ के चल सकते हो, फ्राइडे तक आपको ये टारगेट शायद देखने को मिल जाए। तो यहाँ इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी रिवर्सल देता है या नहीं। मुझे तो लगता है कि बैंक निफ्टी में एक जिस तरह से निफ्टी में रिवर्सल आया है बैंक निफ्टी भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है और बैंक निफ्टी जो है तो फिर से लीडरशिप ले सकता है हाथ में। तो यहाँ कल का दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है, मगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको स्टॉप लॉस जो रहेगा उसमें उस अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 38,200 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो, और टारगेट रहेगा 38,850 का और उसके बाद में 39,255 का। तो यहाँ हम लॉन्ग व्यू लेकर रहेंगे, अगर फ्लैट खुलता है तो नीचे के लेवल का वेट करेंगे, उस लेवल पे आता है तो बैंक निफ्टी में आप एक्युमुलेशन कर सकते हो। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 37,300 का, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ऊपर टारगेट आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो अगर नीचे खुलता है बैंक निफ्टी तो आपका इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, या फिर मंथली का जो है तो आप ऑप्शन ले सकते हो एट द मनी का। तो आपको 38,000 का कॉल ऑप्शन जो है तो डिप्स पे खरीदना है, उसका भी स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा, 37,300 का लेवल आता है फ्यूचर में तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा आपको वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी 39,255 पे जाता है तो उस ऑप्शन में आपको 100% प्लस की गेंस
दिखाई दे सकते हैं। तो उसमें जो है तो डिप्स पे एक्युमुलेट कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए उस ट्रेड को। स्टॉप लॉस मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ 37,300 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हर एक लॉन्ग पोजिशन के लिए, और हम खरीदने की कोशिश करेंगे 37,700-800 के अराउंड। तो आज भी जो है तो मेरा जो व्यू था सेल ऑन प्राइस का वो अच्छा खासा पैन आउट हुआ, और मुझे लग ही रहा था कि ये जो है तो ओवरसोल्ड रीजन से बाउंस बैक आ सकता है। तो हमने दोनों तरफ जो ट्रेड लेके अच्छा खासा मुनाफा कमाया। मैं जो हूँ पर्सनली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी इतना ट्रेड नहीं करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रैली आएगी तभी मैं उसमें पोजीशन लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए मार्जिन भी ज़्यादा चाहिए और उसके कंपेरिजन में निफ्टी में ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, और निफ्टी के ऑप्शन जो है तो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी ऑप्शन, तो मैं वही प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ जो है तो आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए कल के लिए, और हमारा लॉन्ग व्यू रहेगा, टारगेट रहेंगे 38,850 से लेकर 39,255 के। ये टारगेट 1-3 दिनों के व्यू से है, और स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना है 37,300 के अराउंड। तो आई होप सो कि आज की वॉलेटिलिटी में आपने कुछ ना कुछ अच्छा खासा मुनाफा, क्योंकि पहले मूव में तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल चुका था, आई होप सो कि आपने उसको अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट किया होगा मनी में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.